वहीं संत निरंकारी मिशन अपने 90 साल पूरे कर रहा है। मिशन का 72वां 3 दिवसीय समागम 16 नवंबर से पानीपत के समालखा में शुरू होगा। इस समागम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। सत्य, प्रेम और एकता के मूल मंत्र के साथ आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाने वाले संत निरंकारी मिशन का 72वां वार्षिक संत समागम 16 नवंबर से मिशन के नए आध्यात्मिक स्थल समालखा पानीपत में शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस समागम की बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। जीटी रोड स्थित इस आध्यात्मिक स्थल पर 615 एकड़ में से 545 एकड़ जगह पर 4 अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। मिशन से जुड़े बड़े पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया। सत्संग का जो पहला दिन होता है, हमारे लिए बहुत सारे भक्तों श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का वक्त होता है। तो उस दिन जो सतगुरु माता जी का आगमन, जिसके लिए आपको ये प्रेस रिलीज दी जा रही है, इसमें समय भी दिया जा रहा है। एक चीज है, एक सत्य है, एक ज्ञान है जो आदिकाल से सत्य रहा और आने वाले समय में भी सत्य रहेगा, आज भी सत्य है, और वो है प्रभु परमात्मा की होने की जो बात है। गौरतलब है कि 1929 से शुरू हुआ निरंकारी मिशन 2019 में 90 साल पूरे कर रहा है। मिशन पदाधिकारियों का दावा है कि अपने देश के अलावा 15 दूसरे देशों से भी प्रतिनिधि और संगत इस समागम में पहुंच रहे हैं। उनका संदेश था, जिन्होंने अपना बाप भी खोया था और अपना गुरु भी, उनका संदेश था कि जो खून है वो नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहना चाहिए। उस संदेश को पूरा निरंकारी जगत मानते हुए 24 अप्रैल को हमारी मेजर ब्लड डोनेशन ड्राइव होती है। किसी ने कहा कि चिड़िया तेरे इतने से पानी से आग थोड़ी हो जाएगी, तू क्या कर रही है? तो उसने आगे से जवाब दिया कि जब आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। पहले दिन 16 नवंबर को गद्दी पर विराजमान माता सुदीक्षा दोपहर 1:30 बजे संगत को दर्शन देंगी। 17 और 18 नवंबर को सत्संग का समय दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक होगा। क्योंकि मिशन से जुड़े लाखों श्रद्धालु समागम में पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से 17 डीएसपी समेत 1,500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी समागम स्थल और आसपास ड्यूटी देंगे। हरियाणा के सीएम समेत दिल्ली से कई वीवीआईपी के भी समागम में आने की संभावना है। एक बनो, नेक बनो सदैव। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।